7 अमेजिंग ऐप जिसके बारे में आप जान के बोलोगे क्या बात है। दोस्तों आपने दुनिया के 7 अजूबे के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज का ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप इन 7 अमेजिंग ऐप के बारे में ही बात करोगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी धमाकेदार वीडियो देखने की मिलती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो मेरा नाम अकेत है, आप देख रहे हैं टेक विद केटन। तो नंबर 1 पर फिलिप कैम, और अगर आपको फोटो का शौक है तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा काम की ऐप है, और आप इस एप्लीकेशन के मदद से एक टाइम पर अपने फोन के दोनों कैमरा को ऑपरेट कर सकते हो, यानी कि बैक और फ्रंट को एक साथ ऑपरेट कर पाओगे। ये क्या बात करता है यार। जी हाँ, एकदम सच, और आप इसकी मदद से बहुत ही यूनिक फोटो ले पाओगे। तो कैसा लगा आपको ये एप्लीकेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे एप्लीकेशन की तरफ। तो दूसरे नंबर पर आता है ब्लैक स्क्रीन, और इसकी मदद से आप किसी भी वीडियो को अपने फोन की स्क्रीन ऑफ करके ही प्ले कर सकते हो, चाहे वो यूट्यूब का वीडियो क्यों ना हो। क्योंकि हमें ये प्रॉब्लम कई बार आती है, क्योंकि हमें कभी कोई सॉन्ग सुनना हो और हमारे पास उसका वीडियो, लेकिन स्क्रीन ऑफ करने के बाद हम उसे प्ले नहीं कर पाते थे, लेकिन आप इस एप्लीकेशन की मदद से आप ये कर पाओगे। तो तीसरे नंबर पर आता है ट्रैक, और ये आपके फोन में जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल एप्लीकेशन है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा फोन कहीं पास गिर जाता है या फिर हम भूल जाते हैं, तो उसे हम ढूंढ नहीं पाते हैं, लेकिन इस एप्लीकेशन की मदद से आप ये कर पाओगे। क्योंकि आपका फोन अगर कहीं पास बाई चांस घूम गया तो ये आपका जो फोन है ना, तो आपको इसे ऑफ कर दिया, फिर जैसे ही इसको ऑन करेगा तो इसकी जो लास्ट लोकेशन होगी और उस आस पास की जितनी भी कोई फोटोज होगी एरिया की, ये आपके ईमेल पर ऑटोमेटिक सेंड कर देगा, जिससे कि आप इसे इजीली ट्रैक कर पाओगे, और ये एकदम फ्री है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इस कमाल के एप्लीकेशन के ये एक लाइक तो बनता है, कर देना दोस्तों, ये एकदम फ्री होता है। तो चौथे नंबर पर जो एप्लीकेशन आता है, इसका नाम है ब्रेनियो, और ये आपके स्टडी या फिर ऑनलाइन एग्जाम के वक्त यूज आएगा, क्योंकि आप इसकी मदद से किसी भी MCQ का आंसर या फिर किसी भी डेरिवेशन को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, वो भी बिल्कुल फ्री में, और मैं इसे खुद यूज करता हूं अपने ऑनलाइन एग्जाम के वक्त पे। तो जो पांचवें नंबर पर एप्लीकेशन है, उसका नाम है KDE कनेक्ट, और आप इसकी मदद से अपने फोन को अपने लैपटॉप से या फिर टैब या फिर डेस्कटॉप से कनेक्ट कर सकते हो, वो भी आसानी से, और ये एकदम फ्री, और आपको इसके लिए किसी भी तरह के केबल की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अब भाई हमारे छठवें एप्लीकेशन की, जिसका नाम है फ्री बुक्स एंड फ्री ऑडियो बुक्स। तो इसकी मदद से आप किसी भी बुक्स को ऑडियो में सुन सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अभी तक आपको कौन सा एप्लीकेशन सबसे अच्छा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब भाई हमारे लास्ट एप्लीकेशन के, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको यहाँ पर टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट अपडेट मिलते हैं, वो भी सबसे पहले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो सातवें नंबर पर जो एप्लीकेशन है, उसका नाम है ऐप वॉच, और इसकी मदद से आप ये कर पाओगे कि आपके फोन पर कोई से भी जो फालतू के एड्स या फिर वेबसाइट के नोटिफिकेशन आते हैं ना, तो ये उन सबको ब्लॉक कर देगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, और फिर उसके बाद कोई से भी ऐड ये नहीं आएगा, और ये एकदम फ्री है। तो आपको बस इसको इंस्टॉल करना और फिर कोई से भी थोड़ा बहुत परमिशन इसको देना है, उसके बाद ये खुद से ऑटोमेटिक अपना काम करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और मैंने जितने भी एप्लीकेशन के बारे में बताया मैं उन सबके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों तब तक की मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला वो होगा बेस्ट फोटो एडिटिंग एप्स फॉर एंड्रॉइड। तो तब तक ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।